परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी, चेयरमैन काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। आपके इस ब्रांच पर, अपोलिया ब्रांच पर, किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया आप लोगों के द्वारा? आज हम लोग यहाँ पे एक छोटे कलेक्शन सेंटर के रूप में इस शाखा की शुरुआत किए हैं। जैसा कि हम बता दें आपको कि हमारी हेड ऑफिस आजमगढ़ में भवरनाथ पे है, फैज़ाबाद रोड पे ही, और पूरे ज़िले में हम लोग अपने छोटे छोटे कलेक्शन पॉइंट डाल के लोगों को अपनी सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में ये हमारी अतरौलिया की शाखा की ओपनिंग की गई है, और हमारा लक्ष्य है कि 2022 में हम अपने 22 ब्लॉक को जो है पूरे टच करेंगे, कवर करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले जब हमने अपनी वर्षगांठ मनाई थी सितंबर में, तो हमने बताया था सारे कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों को कि हमारा 2022 का एक सिलसिला रहेगा कि हम अपने सारे ब्लॉकों को टच करेंगे। उसी सिलसिले में हम अपने पहले ये जो कार्यक्रम को शुरुआत कर चुके हैं, और धीरे धीरे अभी इस साल हम बहुत सारी शाखाएँ जो है आजमगढ़ में लाएंगे, जिससे कि काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की सुविधाएं, जो इसकी योजनाएं हैं, हम आम जनता तक सही तरीके से पहुंचा सकें। क्या उद्देश्य है आपके इस ब्रांच या क्या उद्देश्य है आपका? सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारा कि हम लोगों को रोजगार देने का, जो हमारे युवा वर्ग हैं इन्हें हम सही चीज़ों से जोड़ के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सी भ्रामक चीज़ें हैं जो लोग आकलन नहीं कर पाते हैं। जो बैंकिंग की चीज़ें सही होनी चाहिए, उसको सही चीज़ों को आम पब्लिक तक पहुंचाने का और एक रोज़गार देने का हमारा ये पूरा एजेंडा है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम पूर्ण रूप से अभी तो बैंकिंग नहीं है, लेकिन हम 80% बैंकिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें हम अपने ग्राहकों को सेविंग खाता दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनको रिकरिंग दे रहे हैं, जिसमें वो हमारे जो व्यवसाय वर्ग के भाई हैं, जैसे दुकानदार वर्ग, वो डेली सेविंग हमारे यहाँ कर सकते हैं जुड़ के। हम मंथली सेविंग करवाते हैं, हम FD देते हैं, हम पेंशन देते हैं। इसके अलावा हम अपने जो हमारे मूल व्यवसायी भाई हैं जो हमसे जुड़ेंगे, तो उनसे वो लाभ क्या है हमसे जुड़ के, क्योंकि आज की डेट में एक दूसरे के लोग पूरक होते हैं। तो हमारे यहाँ जो रिकरिंग चलती है, हम उसके अकॉर्डिंग उनको छोटे छोटे फंड प्रोवाइड करके, जिससे कि आम जन का व्यवसाय बढ़े, और जब व्यवसाय बढ़ेगा वो लोग बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक विकास होगा, और उसके साथ साथ हम लोग भी बढ़ेंगे। अच्छा, मतलब ऐसे कुछ आप सुविधाएं बता दीजिए जिसके कारण आपके यहाँ ग्राहक जुड़े, क्योंकि अभी तो मार्केट में आप देखिए बहुत चल रहा है जी, तो बहुत इस तरह की है कंपनियां, तो आपसे ग्राहक क्यों जुड़े? सर, मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ की पहली ऐसी निधि संस्था है, अब तक लोग निधि के बारे में जानते ही नहीं थे। मैं आपको दावा करता हूं कि आजमगढ़ की पहली ऐसी निधि संस्था है काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, जो अपने ग्राहक को सेविंग अकाउंट दे रही है, उसके साथ साथ उनको QR कोड दे रही है, मोबाइल एप्लीकेशन दे रहे हैं हम, उनको ATM कार्ड बहुत जल्दी सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ साथ जुड़ने का मेन जो कारण होना चाहिए कि भ्रामक चीज़ें और लोग लुभावनी चीज़ें तो मार्केट में आपको बहुत सारी मिली, लेकिन आपको सही चीज़ कौन ला के दे रहा है, इस चीज़ को आम पब्लिक को भी समझना चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम कम दें, लेकिन हम उनको समयानुसार उनकी रिटर्निंग करें, और जिसपे हम पिछले 2 साल से पूरा वर्क कर रहे हैं। हमारे अब तक जितनी संस्थाएँ हैं, जितनी हमारी शाखाएँ काम की हैं, आप कहीं भी सर्वे करके पता कर सकते हैं, हमारी मैच्योरिटी, जो सबसे आम जनता की सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी रिटर्निंग, उसका पैसा रिफंड समय से होना चाहिए, उस पर हमारा पूरा फोकस रहता है। हम वन डे मैच्योरिटी करने का दावा करते हैं और कर भी रहे हैं, हम इसी पे काम कर रहे हैं। आपके ब्रांच में तकरीबन कितने लोग अभी कार्यरत हैं? देखिए, जो हमारी हेड ऑफिस है, क्योंकि निधि की गाइडलाइन के हिसाब से हम हेड ऑफिस पे जो मेन है हमारा, वहीं हम इम्प्लॉई रखते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास 8 से 10 ऑफिस स्टाफ काम करते हैं, जिसमें सेविंग डिपार्टमेंट में अलग काम करते हैं, RD डिपार्टमेंट में अलग, लोन डिपार्टमेंट पे अलग, सेल्स डिपार्टमेंट पे अलग। ऐसे फील्ड की बात करें तो 250 से 300 कार्यकर्ता जो फील्ड में इस समय काम कर रहे हैं, और जिनके घर में काशी गोमती के माध्यम से एक रोज़गार पहुँचा है, इनकम जा रही है,
और आगे हम लोगों का लक्ष्य है कि 2022 में कम से कम यहाँ पे 5,000 लोगों को रोजगार देने का हम पूरा कार्य और पूरी कार्य योजना पे काम कर रहे हैं, जिसपे हम 5,000 लोगों तक रोजगार पहुँचाने का कार्य करेंगे। क्या आजमगढ़ से बाहर भी ये संस्था चल रही है? जी अभी नहीं चल रहे हैं, लेकिन 2022 मतलब 2023 से हमारा लक्ष्य है कि हम आजमगढ़ के अलग यहाँ से इस जिले से निकल के अलग अलग जिलों में काम करेंगे और अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाएंगे।